थोड़ा सा ना एक चीज की कमी लग रही है इसके अंदर यार, हॉर्न होता तो एक रील बनाते। ड्राइवर भाइयों की इज्जत किया करो, सभी बोलते हैं कि ड्राइवर ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। और हमारी गाड़ी कहाँ गई अरुण? गाइस हमारी थार नहीं दिख रही यहाँ पे। गाइस हमारी थार आगे निकल गई। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो गया? आपने हमें को एकदम से ट्रक दे दिया। ले तक लेके जाओगे यहाँ से? ले जा रहे हैं भाई, ले जा रहे हैं। आराम से लगी है, जोर से नहीं लगी। दोस्तों सिग्नल देखो जीरो हो चुका है। ये देखो ये बना हुआ है दिल, बना हुआ दिल। यहाँ पे आप सेल्फी सुल्फी लो, नहीं रील क्रिएट करो और डालो भाई इंस्टा पे। सूरत आल ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। अभी घूम ही रहे हैं इसके मतलब सराउंडिंग में हम चल रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, अभी भारत चला जाएंगे, उसके बाद सरचू का भी बनाएंगे प्लान। आगे से आगे चलते जा रहे हैं भाई। बारला चला हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन कोई पता नहीं है, चलते जा रहे हैं आगे को। तेल की कमी नहीं, तेल काफी है, फुल है गाड़ी भाई, फुल करवा ली हमने। ये हॉर्न का टोन ही चेंज होगी, ये ठंड है ना, ठंड में चेंज हो जाता है। एनएच की हालत तो देखो भाई, ऊपर ना बर्फ की कटिंग चली हुई है, स्नो कटर लगा है ऊपर। वैसे अभी तो बारला चला पहुंचे नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं जहां तक पहुंचते हैं। देख लो इतने मस्त हुए पड़े हैं, गाड़ी तोड़वाओगे? चिपकाई थी गड्डी, चिपकाई थी गाड़ी, लगी गाड़ी आर तो है नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या करना, प्यार से रहना चाहिए। ये प्यार था है ना, होता रहता। आराम से लगी है, जोर से नहीं लगी। ऊपर वाला स्टाइल देख करके हमने इतनी वीडियो बनाई है। अच्छा आपको भेजेंगे। अच्छा तो अभी ना इनकी बेलिनो, इनसे पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी इन्होंने उठानी चाहिए, मस्ती में चले हुए थे, गाड़ी इनकी बैक ही आ गई पीछे और गाड़ी के बम्पर के साथ हिट हो गई। अभी हम पहुंचे बारालाचा, ठीक है, जो रोड बंद है यही कारण था, यहाँ पे स्नो काफी ज्यादा थी। आज ही भाई ये रोड खुले हैं एक या दो दिन में। अब थोड़ा हम इसलिए यहाँ रुके हैं क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है बारालाचा पास, ठीक है ना, आपको बताने के लिए कि हाँ रोड ओपन हो चुके हैं। ये हम बिल्कुल टाउन में उतर गए हैं बारालाचा से। अब आगे हमारा जो आएगा सरचू आएगा। अब प्लेन एरिया आ गया ना, तो प्लेन समझ लो हम सरचू पहुंचने ही। अब यहाँ से गाड़ी थोड़ी भगाते हैं हमको वापिस बोना घर को, देखते हैं भाई आज के दिन हम घर पहुंच पाते हैं कि नहीं। और अरुण पता कहाँ पे है? ये सामने ट्रक का ना, अरुण भाई इस ट्रक के अंदर बैठा हुआ है। और ये देखो ये पूरी लेक जमी हुई है। अब लेक कौन सी है कोई पता नहीं है। एक होता है ना स्वर्ग होता है जो हमें मरने के बाद मिलता है, और एक होता है निस्वर्ग जो हम जिंदा हैं फिर भी हम स्वर्ग में घूम रहे हैं, वो चीज है मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। मैं अरुण को बताता हूँ अरुण कहाँ है इस ट्रक में। अरुण हेलो, थार को छोड़ के ट्रक में घुस गया। ये भाई देखो इस ट्रक में, भाई का ट्रक है भाई, मस्त बनाया है, मस्त है, व्हाइट व्हाइट कलर का है। थोड़ा सा ना एक चीज की कमी लग रही है इसके अंदर, यार हॉर्न होता तो एक रील बनाते, मजा आ जाना था, है ना। ट्रक में चलना तूने, व्यू पॉइंट है भाई जबरदस्त है। अब हम थोड़ी देर के बाद सरचू में पहुंचने वाले हैं, और बढ़िया है भाई, हम तो ब्लॉगिंग करते करते यहाँ पे साथ में आपको अपडेट भी मिल जाएगा। यार आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आ जाओ, कोई बात नहीं, हमें नहीं कोई तकलीफ हो रही यहाँ पे। जो महाराष्ट्र यूपी दूर हरियाणा से आ रहे हैं तो सांस की कमी है भाई, अब दूर से आ रहे हैं ना आप तो थोड़ा ऑक्सीजन लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है भाई, सेफ्टी अपनी सेफ्टी। और बीमार है तो मत आओ यहाँ पे क्योंकि सांस की प्रॉब्लम है। अभी थोड़े डाउन आ गए, अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बारालाचा में, और देखो बारालाचा है सरचू में तो बंदा आता हो जाता है क्योंकि हाफ हो जाए। मेरे बाजू में दर्द लग गई, कितनी देर मैंने फोन पकड़ा है, मैं कंटिन्यूसली आपसे बात कर रहा हूँ। और मस्त है यार, बढ़िया व्यू है, बढ़िया। दोस्तों सिग्नल देखो जीरो हो चुका है, और ये पहाड़ियां देखो ऊपर, इनके बीच बीच में सिग्नल बिल्कुल जीरो। अब इससे आगे आएगा हमारा सरचू। देखो शॉर्टकट का तरीका भाई, मैं बहुत पीछे हूँ, अरुण वो आ रहा है पीछे, मुझे यहाँ से जाना था घूम के, तो मैं यहाँ पकड़ूंगा अरुण को। अरे कौन से ट्रक में? वो पीछे वाले ट्रक में, ये पीछे वाले में है। देखो मैं भी ट्रक में जाऊंगा भाई, ट्रक के अंदर हम भी चले जाते हैं यार, यहाँ पे शॉर्टकट मारा मैंने। चलो गाइस हम आगे भाई ट्रक के अंदर, ये भाई हमारे यहाँ मिले भाई, लोकल बंदे भाई, हमने पहचान लिया भाई ट्रक हमारी साइड का, हम भाई भाई को हाथ दिया भाई, रोक दिया भाई ने भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई आपके ट्रक के अंदर, क्या फील आता है तू सच्ची में, इसीलिए अरुण ट्रक के अंदर घूम रहा है। मैं देख लो कितने किलोमीटर आ गया, कम से कम 20 किलोमीटर आ गया भाई, आ नहीं रहा ट्रक के अंदर, मस्त हुआ है। अभी नीचे डाउन में हम गाइस उतर गए, बस यही चलता रहेगा ले तक, ऊपर चढ़ो डाउन उतरो ऊपर चढ़ो। यहाँ पे बर्फ गल चुकी है, डाउन में जितनी डाउन है ना वहाँ पे बर्फ कम है, हाइट पे बर्फ है। अब देखो जब हम बिल्कुल डाउन पे आ गए तो बर्फ यहाँ पे कम हो गई। अब सर चुका देखेंगे आगे क्या बन रहा है। हमारी थार कहाँ गई? ओ आई हमारी थार गाइस, जूम करूँ, जूम करता हूँ, ये आ रही हमारी थार, देखो ये गाइस हमारी थार आगे निकल गई। भाई मैं भी एक ट्रक डालूंगा एक, और मैं भी भाई के साथ चला करूंगा, फिर मैं ले लूंगा भाई, ये कौन सी गड्डी लेनी,
और आपको ब्लॉग मिला करेंगे साथ साथ में सारे। और भाई तो साथ में डाले करेंगे, चलना साथ में, ठीक है ना भाई जी? हाँ जी हाँ जी। तो भाई जी मैं भी सीमेंट लेके जाया करूंगा अब ऊपर। सीमेंट ले जा तू, मतलब दो ही दिन जाएगा तू। नहीं नहीं जाऊंगा मैं, कमाल है देखो भला नजारा तो देखो एक बारी तू यारा हिस्से सुस्से देखा हुआ एक बारी भाई टोर ने। हाँ जी सर कहाँ गए? चलो भी चलाओ भाई, थके ट्रक चला के ना तो थोड़ा हम चला लेते हैं ना, तो ले तक चलो आप है ना। चलो भाई चलो बैठो और ऊपर चलो, आ जाओ आ जाओ। लो भैया ये ट्रक चला रहे आज, आए हाय ओए होए अभी यार तो ट्रक का आनंद ले लिया आपने ना, और ले तक लेके जाओगे आज? ले जा रहे हैं भाई, ले जा रहे हैं ना। चलो गाइस आप देखो घूमते घूमते कहां भाई अब ले ही पहुंच जाएंगे हम। सस किडिंग गाइस, ले नहीं जा रहे हैं यार, थोड़ा सा ऐसा ना घर को वापस जाना है, तो ऐसे भाई थोड़े थक गए थे ट्रक चला के, तो भाई हमारे लोकल यहाँ मिले हैं तो भाई बोले चलाते हैं तो चला दो, ठीक है भाई मजा आ रहा है बढ़िया फील है। तो गाइस हम यहाँ पे ना सरचू में ढाबा है भाई, भूख लगी है तो खाना खाएंगे अभी थोड़ा, यहाँ पे भाई को भी खिलाएंगे हम भी खाएंगे, और उसके बाद क्या ना हमको जाना है भाई घर, ठीक है? तो क्या करना घर में भी जो मजबूरी है भाई, घर की शॉप भी देखनी है तो करना पड़ेगा। और भाई तू जाना है ले, भाई आप ले ही जा रहे हैं ना? हाँ जी हम तो ले भाई ले ही जा रहे हैं भाई। थैंक यू आपका। ये ना मेरे को एक चीज बताओ, आपका इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो गया, आपने हमें को एकदम से ट्रक दे दिया? भाई ने बोला ना आपने ऐसे बिलीव कर लिया मेरे ऊपर, ठीक है ठीक चला रहा हूँ ना मैं, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो लाइक करो शेयर करो, और भाई अगर चैनल यहाँ तक देख लिया ना तो सब्सक्राइब भी जरूर करो। हाँ अब अभी लंच करेंगे और लंच करके भाई वापस घर को जाएंगे। अब वापस का जो हम वीडियो बनाए हैं ना बनाए उसका कोई पता नहीं है, अगर होगा तो दिखा देंगे आपको, नहीं होगा तो वापस यहाँ से हो जाएंगे। और बाकी बढ़िया रहा आज की जर्नी, और हमने सोचा नहीं था कि क्या होगा, और देखो इतना बड़ा ट्रक हम चला लिया है, बहुत मजा आ रहा है। सनसर लाइट क्यों आ रही है इसके अंदर? ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। हाँ वो रहती रहती में थार के अंदर थी ना ये। यहाँ पे भाई दौड़ नहीं सकते हैं, दौड़ेंगे सांस फूलेगी। तो सरचू प्रॉपर सरचू में पहुँच चुके हैं, बिल्कुल मस्त है। आओ अभी आगे तक जाओ यार, कोई नहीं खुला है, सब खुला है, चार पांच दिन से खुल गया है ये, पीछे बारह ला चला में ना थोड़ा बंद था रोड तो हाइट पे, ठीक है डाउन में बर्फ नहीं है थी यहाँ पे, लेकिन खुल गया भाई सारा, देख लो पीछे ऐसा है यहाँ पे, ट्रक ट्रक चल रहे हैं और गाड़ियाँ भी आ रही हैं जा रही हैं, और हम थोड़े जल्दी आ गए भाई। किसी को आना है भाई तो आ जाओ, अच्छा अपडेट आपके लिए। कैंप लग रहे हैं अभी स्टार्ट हुए, दो तीन कैंप मैंने देखे पीछे जो अभी लग ही रहे थे, गाड़ियाँ आई है ट्रक में सामान आ रहा है, कैंप वगैरह आ रहे हैं तो अभी लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से स्टे भी कर सकते हैं। और हमारी गाड़ी कहाँ गई अरुण? पता नहीं है किसी को, गाड़ी का पता ही नहीं है। ड्राइवर भाइयों की इज्जत किया करो, सभी बोलते हैं कि ड्राइवर ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, बढ़िया होते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आए हम साथ में ट्रक चलाया अभी हमने, कितना अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया। कहाँ चलाया? ले लद्दाख में, देखो भाई लद्दाख नहीं जाना तूने? चलो भाई गाड़ी देखते हैं गाड़ी कहाँ है हमारी। यहाँ पे परमिट चेक किए जा रहे हैं, लाहौर स्पीति पुलिस और चेकिंग, गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं और इससे आगे लेके सीमा लगती है। अब हम तो यहीं से वापस हो जाएंगे यार, हमारा तो ऐसे था थोड़ा पीछे तक, लेकिन अब नहीं जाएंगे आगे से, पीछे होना बैक होना है, घर को भी जाना। ये गाइस हम ले बॉर्डर पे घूम रहे हैं, पीछे जो बॉर्डर था वो सरचू बैरियर पे बैरियर गेट लगा था, वहाँ पे गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, और हमारी गाड़ी जो ना आगे चली गई है, हमको वापस होना है, लेकिन हम गाड़ी उसको पता नहीं है ना सिग्नल है ना कुछ है, पैदल आ रहे हैं 2 किलोमीटर पैदल आ गए यार, वो भी समझ नहीं रहा दिमाग से कि हाँ गाड़ी नहीं आ रही है तो मैं उसको बैक ही गाड़ी को ले आऊं। गाइस हमारी थार नहीं दिख रही यहाँ पे, हमारी थार वो लगी इधर अंदर की साइड को। अब यहाँ से जैसे वापिस जाएंगे, अब पहले ये गाड़ी आएंगी टोटल, पहले तेरे को पता होगा 2 बॉर्डर आ रहे हैं, अपनी गाड़ी है ये ना, हम पैदल आ रहे थे ना ब्लॉगिंग कर रहे थे, ये गाड़ी में थे तो उन्होंने चलो आप ये आगे क्रॉस कर दिया बॉर्डर, हमने सरचू से होना था पीछे से वापस। बहुत लेट हो गए गाइस हम यहाँ पे, अब 5 बज रहे हैं भाई, मतलब 3-4 घंटे में गाड़ी में बैठे हुए हैं,
छोटी सी गलती करी हमने, बॉर्डर क्रॉस कर दिया। हमको सच्चू से वापिस होना था यहाँ से, पूरे 5 बज गए देखो, 5 बजे अब हम यहाँ से शायद हमें छोड़ेंगे और 1 बजे हम इस टाइम हमने जिस्पा क्रॉस कर देना था। सोचो आज मुश्किल हो गया घर पहुँचना, छोटी सी गलती कर दी ये यहाँ पे। तब तक भाई लूडो खेल के टाइम पास कर रहे हैं देखो, तीनों जने क्या करना, 2 घंटे से लूडो खेल रहे हैं भाई। ये देखो गाइस 5 बजे हमें छोड़ा यहाँ से। तो आप भी कभी ऐसी गलती मत करना, कभी आप सरचू तक आना है तो सरचू वाला जो ये बॉर्डर है क्रॉस मत करना, क्योंकि इसके आगे ले की बाउंड्री लग जाती है। चलिए गाइस निकल लेते हैं घर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।